मैं इसमें डाल रही हूँ हनी। हेलो लवली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आज अपने किचन में क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो स्मूदी। ये देखो, मैं दही ले आई हूँ और मैंगो मैंने काट के रख दिए हैं। सो यस, लेट्स मेक मैंगो स्मूदी। मेरे पास ना मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, तो मैं ऐसे इस लोटे में इस हैंड ब्लेंडर से करूँगी। सो मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि ना हैंड ब्लेंडर से ना उछल उछल के बाहर आता है। तो इसको ना कैसा चाहिए होता है कि ऊपर से थोड़ा पतला मुंह हो, नीचे से चाहे ब्रॉड हो बट ऊपर से थोड़ा बंद बंद हो, तो इसलिए हैंड ग्राइंडर के लिए ये मुझे बिल्कुल सही लगता है। तो इसमें मैं डालूंगी मैंगोज। मैंने दो मैंगो करे हैं। मैं इसका पल्प बना के इसे अलग रखूंगी, फिर दही मिलाती रहूंगी क्योंकि बस बर्तन छोटा है पर पीने वाले लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको पल्प बनाऊंगी। मैंगो का पेस्ट मैंने बना लिया, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ दही। मैंने डब्बे वाली दही लाई हूँ क्योंकि बहुत गाढ़ी होती है, देखो आप। और स्मूदी में ना सब गाढ़ी गाढ़ी दही अच्छी लगती है ज़्यादा देन वो पानी वाली। मैंने इसमें हाफ ऑफ दिस डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें पानी भी डालना पड़ेगा बट मैं इसको ऐसे ही पहले पेस्ट बनाऊँगी। मैं इसमें डाल रही हूँ हनी थोड़ा मिठास के लिए। आप चाहो तो शुगर भी डाल सकते हो, तो स्मूदी में मुझे हनी ही अच्छा लगता है इसलिए मैं हनी डाल रही हूँ। 2-3 स्पून आई थिंक इनफ होता है, क्योंकि आपको ये भी चेक करना है दही खट्टा तो नहीं है। पैकेट वाले दही वैसे ये जो बॉक्स वाले होते हैं ना ये वाले ज़्यादा खट्टे नहीं होते, बेटर टू चेक। आप टेस्ट कर लेना तभी डालना, ठीक है। अब ये हनी डालने के बाद हम इसको फिर से चलाएंगे और ये मैंने हल्का सा पानी भी डाला। यस, चाहे मैं उसको शूट नहीं कर पाई, मैंने हल्का सा पानी भी डाला इसमें। हल्का मतलब कि आप मान लो हाफ कप। ये देखो, मैं इसको ऐसे छोड़ गई और ये ऐसे करके लुढ़क गया और ये पूरा गिर गया। मैंने इसको ऊपर से उठा लिया, मैं इसे डस्ट ऑफ करूँगी, साफ कर लूँगी। स्मूदी में देखो अब मैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट डालने वाली हूँ, जो है चिया सीड्स। ये चिया सीड्स मैंने भिगा के रखे थे ओवरनाइट, अच्छे से भीग गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी और एक बार फिर से हल्का सा ग्राइंड करूंगी, मतलब इसे पीसना नहीं है, मैं हल्का सा। हाँ, राधे ना जब सर्व करूंगे ना ऊपर से डालूंगे क्योंकि भर भी गया है एक्चुअली। बस बहुत है, अब हम इसे करेंगे बंद और करेंगे सर्व। जिन लोगों ने बोला है वो तो कम पियेंगे, मैंने उनको छोटे ग्लास में सर्व किया और बाकियों को मैंने बड़े ग्लास में।